Good morning friends, I am Rakhi Garg from the Element Craft Studio. Today we are going to make another beautiful ribbon flower. हम जो बनाएंगे वो फ्लावर है आज सनफ्लावर. इसके लिए हमें 0.5 इंचेस ब्रॉड रिबन चाहिए साटिन का. हम ये 3.5 इंचेस का एक पीस काट लेंगे. अब हम इस पीस को बीच से ऐसे पकड़ेंगे और यहां पर इसमें एक नॉट लगा लेंगे. नॉट लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि रिबन के दोनों साइड एक जैसे ही एक तरफ आए. जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सीधे और ये दोनों उल्टे साइड्स हैं. इसको आप नॉट को टाइट कर दीजिए ऐसे. ये हमारा पेटल रेडी हो गया. अब हम इसको यहां पर स्टिक कर लेंगे आपस में. ये हमारा पेटल रेडी है. ऐसे हमें 10 पेटल्स 4 इंचेस के रिबन के पीस में चाहिए और 14 पेटल्स 3.5 इंचेस के रिबन में चाहिए. ये हमने अपने सारे पेटल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं. ये देखिए अब हम इससे एक फ्लावर फॉर्म करेंगे. चाहिए होगा एक सर्कल वुल पेपर या रिबन में से. जैसे कि पहले फ्लावर्स में आपने देखा था मैंने एक सर्कल कट करके बीच में और सर्कल्स ड्रॉ करके इसको रख लिया है. लेकिन उससे पहले हमें इन पेटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है. मैंने बीच के पेटल्स बनाने के लिए अपने रिबन को शेडेड किया है कलर्स से. अब मैं शुरू की जो सबसे पहली लेयर है उसके लिए रिबन्स को आपस में ज्वाइन करना शुरू करती हूँ. ये देखिए इसमें आपको गैदर्स भरने हैं ऐसे. अब इसी के आगे हम अपना दूसरा पेटल लगाएंगे ऐसे और इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए ये हमारा गैदर्स भरने के बाद फ्लावर का फर्स्ट राउंड पेटल्स का रेडी है. अब हम इसको सर्कल के ऊपर ग्लू करेंगे. उसके लिए सबसे पहले सर्कल पर ग्लू इस बार आपको लगाना है पेटल्स पर नहीं. इस सर्कल पर कॉर्नर पर पूरे में ग्लू लगाइए. अब हम इस पर पेटल्स लगाएंगे ऐसे. ये हमारा फर्स्ट सर्कल रेडी हो गया. अब हम बीच के भी 8 और 6 पेटल्स को ज्वाइन करके सर्कल्स बनाएंगे. हम उनको रेडी करते हैं. हमने ये अपने दोनों सर्कल्स तैयार कर लिए हैं. अब हम इनको सेंटर में ग्लू करेंगे. मैंने इस पर ग्लू लगाया और मैं इसको इस सर्कल के ऊपर चिपकाऊंगी. ध्यान रखिए कोशिश कीजिएगा कि वही क्रॉस सेक्शन यानी कि 2 फ्लावर्स के बीच में एक फ्लावर आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा. हमारा ये फ्लावर हो गया. अब हम अपना लास्ट सर्कल स्टिक करेंगे और ये हमारा लास्ट सर्कल. अब हम फ्लावर का सेंटर लगाएंगे. ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है. ये देखिए हमारा कितना सुंदर सनफ्लावर रेडी है. आप इसको न सिर्फ स्क्रैपबुक एल्बम्स कार्ड्स गिफ्ट पैकिंग और सब चीजों में यूज कर सकते हैं बल्कि आप इसको हेयर एक्सेसरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. लाइक दिस आप इसको किसी भी हेयर बैंड के या हेयर क्लिप के ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे.